काल्पनिक है जो किसी व्यक्ति या स्थान पर आधारित नहीं है और किसी जीवित या मृत व्यक्ति अथवा किसी वास्तविक घटना से समानता केवल संयोग है। इस फिल्म में दिखाए गए सभी पात्र अथवा घटनाएं काल्पनिक हैं। ये फिल्म केवल मनोरंजन के लिए है और किसी समुदाय या राज्य के प्रति असम्मान हमारा उद्देश्य नहीं है। जो जेब में पैसा है दुनिया पूछे कैसा है, वरना अपने भी नजरें चुराते हैं जो अपनी जेब खाली है। खोया तो बहुत कुछ है, अब पाने की तैयारी है। अब तक दुनिया जीती थी, आज से मेरी बारी है। यार क्या सोच रहे हैं? सोच रहा हूँ कि दिन भर में 100-200 रुपए कमाना कितना मुश्किल और कितना आसान भी। अबे यार तो क्या बात बोला, मुश्किल आसान ये कुछ समझ में नहीं आ रहा। साला एक आम आदमी दिन भर धूप में काम करता है तो कहीं जाकर उसे शाम में 200-300 रुपए मिलता है, और ये साले गुंडे लोग किसी को भी चाकू भिड़ाया और 500-1000 कमा लेते हैं। अबे यार तो क्या बात है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। समझ आ जाएगा जब ये विक्रम रघु दादा बनकर दिखाएगा। क्या तू गुंडा बनेगा? अबे तू गुंडा बनेगा? और तुझे पता है इसमें कितने पापड़ मिलने पड़ते हैं? गुंडा बनेगा? अरे अबे इंजीनियर, डॉक्टर, मास्टर ये सब बनना आसान है, गुंडा बनना बहुत मुश्किल है, बहुत भारी बात है। गुंडा बनेगा? अरे अबे कल्लू दादा ना इसे कल्लू दादा नहीं बना है, पुलिस की लाठी, लोगों की मार, गालियां सुन के कल्लू दादा बना है, समझा? आज लोग मेरे नाम से खौफ खाते हैं, और एक वक्त था जब साले अपनी शादियों से मुझे खाते खाते जूते मार के भगा देते थे, और आज मेरे लिए मटन बनाते हैं। तू गुंडा बनेगा? है कलेजा तेरे में गुंडा बनने का? है कलेजा? हाँ कलेजा देखना चाहता है ना तू? मान गया या ठोकने के बाद मानेगा? अबे चलाना मत, लोड है, अगर चल गया तो लोग मुझे फिर गालियां देने लगेंगे। मान गया तेरा कलेजा, तू जरूर एक दिन रघु दादा तो नहीं लेकिन रघु दादा जैसा जरूर बनेगा। बेटा मैं तुझे जरूर सिखाता, लेकिन मैं कुछ दिनों के लिए अमेरिका जा रहा हूँ, तू एक काम कर, तू बिल्ला दादा के पास जा, मैं उसे फोन करता हूँ, ठीक है? ठीक है, तेरा काम हो जाएगा। अब तू है ना वो बच्चा जो दादा बनना चाहता है? अबे तेरा हाथ तो बंदूक के नाल से भी पतला है, आज तू जानता है गुंडा बनने में कितनी कुर्बानी देना पड़ता है? हाँ मुझे मालूम। अबे तुझे कुछ नहीं मालूम साला, सुबह उठता हूँ तो मुझे पता नहीं कि शाम देखूंगा, मगर रोज रोज मरने से अच्छा है कि एक ही दिन मर जाऊं। साला तुम लोग घूमने के लिए सब जगह जा सकते हो, मॉल, मार्केट, मेला, मगर हम लोग को घूमने के लिए सोचना पड़ता है साला, कुछ मजा नहीं आता।
मगर बिना पैसे के मॉल मार्केट पार्क घूमना उससे भी ज्यादा खराब है। ओ, तो तू सोच लिया ना गुंडा बनेगा, तो ठीक है मैं तुझे ट्रेनिंग दूंगा, मगर एक बात तू समझ लेना, जो डर गया समझो वो मर गया, और इस लाइन में डरना नहीं होगा। गर्मी में सबको पसीना आता है, अगर सर्दी में तेरा नाम सुनकर लोगों को पसीना आ गया तो समझ लेना तू रघुदादा हो गया। ए बुड्ढे हिलना मत वरना किडनी फाड़ दूंगा, निकाल तेरे पास जो भी है। बेटा कुछ पैसे तो हैं मगर निकालने में थोड़ी तकलीफ होगी, अगर पूरा ना मानो तो वहां बैठकर निकाल दूं। ठीक है। बुड्ढे जल्दी कर। ये मेरे बच्चे और बीबी के फोटो हैं जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। क्या नहीं रहे? हाँ बेटा, एक बम धमाके में तीनों के तीनों मारे गए। बम धमाके में? हाँ बेटा, सिर्फ मैं और मेरा भाई बच गया। इन लोगों के जाने के बाद मानो मेरी दुनिया उजड़ गई बेटे, और मैं बदले की आग में जल रहा था, लेकिन एक दिन अचानक कुछ लोग कार से आए और अंधाधुंध गोलियां चलाने लगे, उसमें मेरा भाई भी मर गया। मेरे पूरे अड्डे पर दुश्मनों ने कब्जा कर लिया और मुझे वहां से भागना पड़ा बेटा, और आज तक भाई की अस्थि लिए घूम रहा हूं, और गंगा तक पहुंचने के लिए पैसे भीख मांग रहा हूं। अड्डे में कब्जा कर लिया आप है कौन? तुम शायद यकीन न करो मगर ये बात किसी को मत बताना, मैं तुम्हें बताता हूं, मैं रघु दादा हूं। वही रघु दादा जिसके नाम से लोगों की पैंट गीली हो जाती थी, और जहां मैं खड़ा हो जाता था वहां से लाइन शुरू नहीं बल्कि लाइन ही खत्म हो जाती थी। हाँ बेटा, जिंदगी ने एक सबक दिया है कि हमेशा
हमेशा अपने माँ बाप का कहना मानो। मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत पढ़ाने लिखाने की कोशिश की, मगर मेरे दिमाग में गुंडा बनने का शौक था, और जब मैं बदमाशों को देखता था तो मैं सोचता था ये लोग कितने अच्छे हैं, इन लोगों के पास पैसे की कमी नहीं है, इनका हर तरफ रुआब है और सभी लोग इनकी इज्जत करते हैं। मगर मुझे आज पता चला कि उन लोगों की जिंदगी से हजार गुना बेहतर एक आम लोगों की जिंदगी होती है, जो कभी भी कहीं भी आना जाना कर सकते हैं, दो पैसा कम कमाते हैं, लेकिन कितना सुकून से अपनी जिंदगी गुजारते हैं, अपने परिवार के साथ कितना खुश रहते हैं। इस दुनिया में हर एक काम आसान होता है, बस आपके अंदर उसे पूरा करने का जुनून होना चाहिए। ढोंग की जिंदगी से बेहतर है ढंग की जिंदगी जीना। जिंदगी एक खेल है, यह आपको तय करना है कि आपको खेल बनना है या खिलाड़ी। वक्त से लड़कर जो अपना नसीब बदल दे, सफल इंसान वही होता है जो अपनी तकदीर बदल दे। हार मत मानना, क्योंकि इस दुनिया में जीत तभी मिलेगी जब तुम टिके रहोगे। इस दुनिया में एकमात्र तरीका है सफल होने का, वो है मेहनत करना, बस मेहनत।